हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे दूसरे चैनल वी द डेमिगॉड्स मोटिवेशनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको भी लाइक करें, क्योंकि वो जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज एंड एजुकेशनल स्टोरीज, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं चाहती हूँ कि उनसे मिलने वाली छोटी छोटी सीख बहुत लोगों तक पहुंचे, और वो तभी संभव है जब आप लोग मदद करेंगे, आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ बांटेंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। सो इस कोशिश में मेरी मदद कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप एक्टिव रहते हैं, कैसे रहते हैं, आप हमें बताइए दिन में आप क्या करते हैं और क्या खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ, क्या खाती हूँ उसके लिए बना चुकी हूँ। चलिए आज फिर एक और मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में किस तरीके से डिटॉक्स टी या डिटॉक्स वाटर लेती हूँ और कौन सा मैं लंच में अपने लिए डिश बनाती हूँ। डिटॉक्स वाटर या टी, ये मॉर्निंग में मेरा मस्ट है, चाहे मैं उसको किसी भी चीज से बनवाऊं, अजवाइन से बनाऊं या ग्रीन टी से बनाऊं या पुदीने से बनाऊं या जिस लेमन से बनाऊं, लेकिन मेरा मॉर्निंग ड्रिंक होता है डिटॉक्स। और उसके बाद लंच में मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ या तो कुछ ऐसी चीजें हों जो फर्मेंटेड फूड, जैसे इडली है, डोसा है या उत्तपम है, ये चीजें बनाई जाए, क्योंकि उससे हमें प्रोबायोटिक काफी मात्रा में मिलते हैं, और या फिर कुछ ऐसा लाइट खाया जाए जिसमें वेजिटेबल्स पूरी हो, जिसमें अनाज भी हो, जिसमें प्रोबायोटिक भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, तो ऐसी कोई चीज खाई जाए जो एनर्जी तो पूरी दे लेकिन वेट गेन ना होने दे। तो ये दो चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ, एक ड्रिंक और एक मेरा लंच क्या होता है। और अगर लंच में ये दही वाला सैलेड मैं नहीं लेती हूँ तो फिर मैं कुछ कोई लाइट सैलेड रात को लेती हूँ, और दोपहर को मैं अपना फुल लंच करती हूँ, मतलब सब्जी रोटी दाल चावल जो होता है वो लेती हूँ। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बनाते हैं मॉर्निंग की डिटॉक्स टी। ये मैं बिल्कुल मॉर्निंग में लेती हूँ, फर्स्ट थिंग लेती हूँ। इसमें सिर्फ एक चीज को मैं डेली रूटीन पर चेंज करती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने पुदीना लिया हुआ है तो कभी इसमें मैं तुलसी डाल देती हूँ, कभी इसमें मुरिंगा डाल देती हूँ, या कभी इसमें करी लीव्स डाल देती हूँ, तो इससे थोड़ा टेस्ट भी चेंज होता है। लेकिन एक ड्रिंक मैं मॉर्निंग में ऐसी लेती हूँ, उसके साथ मैंने लिया है ड्राई लेमन ग्रास और ग्रीन टी ली है पत्ते वाली। ड्राई लेमन ग्रास की अगर मैं बात करूँ तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसिडिटी नहीं होती है इसके पीने से। इसके अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों को कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी हटाते हैं। फिर लिए है मैंने पत्ती वाली चाय, जो कि बहुत डस्ट नहीं है, बड़े पत्ते वाली है, क्योंकि ये कम प्रोसेस्ड होती है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें पॉलीफिनॉल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है जो एज़ इट इज़ इंटैक्ट इसमें होता है, और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब इन चीज़ों को पहले मैंने बॉयल किया है, ग्रीन टी लीव्स को और लेमन ग्रास को। उसको जब पानी बॉयल होने लगेगा तो उसके बाद इसमें हम पुदीना मिलाएंगे, साथ में मैंने फेनल सीड्स लिए हैं। फेनल सीड्स सब जानते हैं सौंफ बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, ब्लॉटिंग नहीं होने देती, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, और इसकी डायुरेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बहुत मदद करती हैं। अब देखिए ये उबल चुका है, और जैसे ही बॉयल होना शुरू हुआ था मैंने इसमें पुदीना डाल दिया था। दूसरी पुदीने की डंडी जो है वो मैंने रखी है कप में, और उसके ऊपर इसको छान दिया है। थोड़ी देर के बाद इसको पी लेंगे, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है ये। अर्ली मॉर्निंग में ले सकते हैं, आपका मन करे तो आप मील से 40 मिनट पहले ले सकते हैं, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। दूसरा जो मेरा फूड है वो मैंने लिया है हाई प्रोटीन सैलेड। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी एनर्जी को मेंटेन रखता है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, फाइबर रिच अगर फूड हम खाते हैं तो नंबर वन वेट लूज करने में बहुत मदद मिलती है। और ये मैंने बनाया सोया चंक्स से। सोया चंक्स में भी प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होती है। अब सोया चंक्स को कुछ देर के लिए गर्म पानी में डुबो के डिप करके रख दिया था, और करीब 15-20 मिनट के बाद इसको निचोड़ के निकाल लिया है।
अब इसमें कुछ मसाले मिलाए हैं, जैसे नमक है, कुछ मिक्स हर्ब्स हैं, चाट मसाला है, इसमें पुदीना है, ड्राई पुदीना पाउडर है, कसूरी मेथी है। आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जो हर्ब्स आपको या जो मसाला आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, हल्का सा मिर्च भी डाल सकते हैं, और इसमें दही मिला के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब क्योंकि इसमें दही मिलाया है तो आज का ये मेरा जो फूड है, जो मेरा आज मैं इसको लंच में लेने वाली हूँ, अगर मुझे ये रात को खाना हो तो उस टाइम मैं इसमें दही नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ इसको ऐसे ही सारे मसाले डाल के मैरिनेट करती हूँ और बाकी सब्जियाँ डालती हूँ। अब ऐसे मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, घंटे के लिए रख सकते हैं, दो तीन घंटे तक भी रख सकते हैं। फिर इसमें ये रंग बिरंगी सब्जियां मिलानी हैं। सब्जियों का रंग जो होता है वो उसके अंदर कौन सा विटामिन या कौन सा मिनरल ज़्यादा मात्रा में होता है उसी से बनता है। तो जब मैं ये रंग बिरंगी सब्जियाँ लूँगी, जैसे कैप्सिकम है, कॉर्न है, खीरा, टमाटर, गाजर, हरा, पीला, ऑरेंज कलर, रेड कलर, सारे कलर इसमें आ गए, तो इसमें मुझे मैक्सिमम विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे। ये अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब क्योंकि पहले हमने सोया चंक्स को मैरिनेट कर दिया था तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें रोस्ट करके मैंने ये मूंगफली मिलाई है। अगर किसी को नट्स से एलर्जी है तो वो अपने हिसाब से इसको मिलाएं या ना मिलाएं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैंने अपने इसमें मिलाई है, बट आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये सैलेड अपने आप में एक पूरा मील है, इसके साथ कुछ लेने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बट इफ़ यू फील इट इज़ नॉट इनफ देन यू कैन ऐड सम राइस टू इट और ऐड अ चपाती टू इट। ये वेजिटेबल सैलेड अगर हम लेते हैं, वेट लूज़ करने में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये सबसे अच्छा आइडिया है क्योंकि इसमें कैलरी बहुत कम है, जो हम इनटेक करेंगे कैलरी कम करेंगे, विटामिन मिनरल ज़्यादा खाएंगे, प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे, तो हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी, वेट लूज़ होगा और एनर्जी इंटेक्ट रहेगी, एनर्जी लूज़ नहीं होगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। इससे मुझे दो फायदे होते हैं, आई फील लाइट और मेरा डाइजेशन अच्छा रहता है, वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं होता है, और इसी तरीके से मेरा जो खाना है वो भी सिंपल होता है, उसमें ज्यादा मसाले नहीं होते हैं, बाहर के मसाले तो बिल्कुल नहीं होते हैं, घर में कूटे हुए जो मसाले थोड़े बहुत होते हैं वही डालती हूँ मैं, और कोशिश करती हूँ कि उसमें कोई भी रिफाइंड चीज नहीं डाली जाए, क्योंकि रिफाइंड, चाहे वो रिफाइंड आटा है या वो रिफाइंड ऑयल है, वो नुकसान ही करते हैं, फायदा कुछ करते नहीं है। मैं घी बहुत खाती हूँ, घी हमारे यहाँ क्योंकि गांव से मैं बिलोंग करती हूँ और प्योर घी मुझे मिल जाता है, तो मैं किसी भी रिफाइंड चीज से प्रिफर करती हूँ कि वो घी खाया जाए। तो ये मेरा सिंपल सा रूटीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इसी से मैं ठीक रहती हूँ, आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ, और आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिलता जा रहा है, इससे मैं बहुत खुश भी हूँ, तो मेरी खुशी से मेरी हेल्थ और ज्यादा अच्छी रहती है। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।